शायद नहीं, दो बंदे। वो भी ऑन एचपी है। अरे माँ का। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज हम लोग वापस से कर रहे थे रिंग पुश, वो भी डुओ में, क्योंकि यार हम लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग आ रहा, मतलब हमारा हो जाएगा कौन करर। तो वो तो भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ज़्यादा खेलते नहीं, बस मेरे को गेम प्ले निकालना रहता है और 2 घंटे खेलते दिन के, तो जिसमें माइनस भी हो जाते कभी कभी। तो देखो हम लोग यहाँ पे कूदे थे, मेरे टीममेट गाड़ी पे कूदा था और उसके पास लग गए थे बग्गी। मेरे पास कोई गन लगी मतलब गन थी नहीं, बस यही था कट्टा, जिसके कारण मतलब बंदे लोग बच जाते। थोड़ा सा डैमेज वेमेज करने की ट्राई करता हूँ, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर कोई ऑटो गन लग जाती ना तो यार माँ कसम इनको तो निपटा देते, 2 किल मिल जाते और इन बंदों का माइनस भी हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ये लोग बंदे लोग कूद कूदा के इधर से निकल लेते। और यहाँ पे पिस्टल था तो जिसके कारण ये बंदे लोग मर नहीं पाते हमारे हाथ से। तो मेरे टीममेट को बोलता हूँ फटाफट गाड़ी लाओ और अपन यहाँ से बैठते रहे, इनका थोड़ा पीछा करते हैं बाद में। तो यार पिस्टल से भी मर ही जाते हैं बंदे लोग। तो हम लोग बहुत देर से इनका पीछा करते, लेकिन इनके पास बग्गी रहती है जो हमारे से बहुत आगे बग जाती है यार बूस्ट में। लेकिन हम लोग बहुत देर से इनका पीछा करते, बाद में ये पकड़ में आए गए थे। लेकिन मेरे टीममेट बोल देता कि भाई एमओ वेस्ट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमओ वेस्ट करने के चक्कर में मैं इनको मार नहीं पाता हूँ, ऐसे भी भाई पिस्टल से क्या ही मार पाता। अगर कोई दूसरी ऑटो गन भी होती ना उजी उजी तो भाई इनको निपटा भी देता मैं, क्योंकि पीछे वाला तो भाई ईजी उतर जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आए बंदे लोग को मैं मार नहीं पाता हूँ, तो आगे जाके इन बंदे लोग को मैं सोचता हूँ भाई आज ये कहाँ तक भागेंगे, इनका पीछा करते हैं पूरा। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही चल रहा था, हम लोग बंदे के पीछे थे, बंदे हमारे आगे थे, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन चल रहा था, बिल्कुल खतरनाक तरीके से बंदे लोग गाड़ी को भगाए जा रहे थे। और इनकी साली बग्गी भी स्किड नहीं कर रहे थे ना पलट रहे थे, साले हमारी गाड़ी तो तुरंत पलट जाती थी यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब यहाँ पे इनकी गाड़ी यहाँ पे पलट जाती है और यहाँ पे थोड़ा मारने की ट्राई करता हूँ, इतना क्लोज में आ गया था। लेकिन मेरे टीममेट यहाँ पे गाड़ी रोकता नहीं पहले, अगर रोक भी देता ना तो इनको आराम से बचा देते। ये लोग बंदे लोग इधर रुक जाते हैं और हम लोग इधर सीधा आ जाते भाई इस टेम्पल पे। मैंने देखा फालतू वहाँ पे रुक जाते, वहाँ पे क्या गन वन लग जाती है, तो वहाँ पे वो बंदे लोग लूट वूट करने लग जाते और हम लोग इधर आके लूट वूट करने लग जाते। अब यहाँ पे एक बंदा आ जाता तो मेरे टीममेट्स उसकी फाइट हो जाती है 1v1। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई भी थोड़ा सा कवर देता है और उस बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद फटाफट से फिनिश कर देता है। फिनिश करने के बाद मैं इस साइड में आता हूँ, थोड़ी जंपिंग जंपा यूज़ करके इस साइड में जो ये सब रहते ना इनको ऑन करते, मेन वाला ऑन होता है जिसके कारण अपन को यहाँ पे लूट वूट मिलती है। तो यहाँ पे ओगी आया था, ज़्यादा कोई खास गन नहीं आई थी, तो यहाँ पे एक बोट आ गया था, तो पहले बोट को भी निपटा देते हैं। ये गाड़ी को फोड़ रहा था भाई, इसको क्या बताता हूँ, साला बोट होके भी साला इतना मतलब चूल्हे इसके अंदर के भाई इतना गंदे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं हील वील करता हूँ और सोचता हूँ यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तभी यहाँ पे बंदे बंदे आ जाते हैं। अब बंदे बंदे आ जाते तो ऊपर की तरफ बंदा रहता है, इसको थोड़ा मैं डैमेज करने की ट्राई करता हूँ। एक हेड देता हूँ इस बंदे को जैसे ये पिक करता है, थोड़ी देर के बाद ये पिक कर ही लेता है। तब देखो एक हेड दिया था, उसके बाद मेरा टीममेट इसके ऊपर मतलब बैठता है और यहाँ पे लैंड हो जाता है। मतलब कहाँ पे गया यार, रुको मैं भी आता हूँ, इसको मैं भी ऑन करता हूँ और इसको ढंग से खाता हूँ और मैं भी आ जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए। अब यहाँ पे सीन यह होता है कि इसका दूसरा बंदा रहता है जो बहुत ज़्यादा फ्लैंक कर लेता है और ये बंदा इधर से निकल के वेयर हाउस की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ जब तक मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है। अब मैं इसको पूरी बचाने की ट्राई करूँगा। अब इस बंदे को मैंने इतना सारा डैमेज दिया, लेकिन बंदा मतलब कि जोन से भी नॉक नहीं हुआ और उधर से निकल लेता वो। उसके बाद ये जो मतलब वेयर हाउस में बचा हुआ था बंदा, अब इसको बचाने की बारी थी। तो ये बंदा थोड़ी देर के बाद यहाँ से वेयर हाउस से थोड़ा सा पिक करता है। आप देखो इसको कैसे बचाते हैं। अब इस बंदे को नॉक करते, नॉक करने के बाद फिनिश विनिश करते और मैं इसको देखने की ट्राई करता हूँ जो इसका बंदा था वो कहाँ पे गया। तो बाद में पता नहीं कहाँ पे चला गया था, उसके बाद ये नेट वेट कर रहा था, उसके बाद मिलता नहीं। तो हम लोग क्या करते, गाड़ी वाड़ी लेके इस साइड में आ जाते, पोचिंकी मतलब पोचिंकी के साइड में आ जाते। और यहाँ पे इस घर में आके रुकता हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ना हिल पे मतलब दो दो बंदे आ जाते। तो एक बंदे को तुम्हारा भाई इजीली निपटा देता है, पैदल ही जाता रहता वो स्पाइडर यूज़ करके। तभी मेरा टीममेट बताता है और देखो उसको कैसे बजाते हैं। अब वो हिल के पास जा रहा था, देखो उसको नॉक करते हैं, उसके बाद फटाफट से फिनिश करते हैं। और इसका दूसरा बंदा हिल के ऊपर ही रहता है, तो उसको मेरा टीममेट बाद में मार देता है नेट वेट करके। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी वाड़ी लेके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इस घर में आता हूँ और यहाँ पे ना मतलब कि बंदे बंदे की जो फाइट होने वाली है बहुत लंबी फाइट हो जाती है। और यहाँ पे जो एक गलती कर दी मैंने जिसके कारण बहुत गलत भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पे सामने की तरफ बंदे रहते तुम्हारे भाई ने इनको नॉक किया। अब यहाँ पे एकदम सही चल रहा था गेम और ये जोन भी आ गया था हमारे से 7 मीटर ही आगे था जोन। तो मैंने देखा यार इजीली जोन ले लूँगा, लेकिन इस जोन के चक्कर में बहुत खतरनाक दुर्घटना हो गई। यहाँ से मैं सोचता हूँ कि खिड़की से कूद जाऊँगा, लेकिन खिड़की से मतलब कूद नहीं पाता हूँ। तो मैं गेट से जाता हूँ, गेट से जाता हूँ तो भाई अब देखो कैसे पड़ती है।
अब यहाँ पे नोक हो जाता हूँ, उसके बाद मेरे टीममेट का यहाँ पे सर्वर चला गया था जिसके कारण वो भी इधर से जोन के अंदर ही नोक एंड फिनिश हो जाता है। तो फिर मैंने फटाफट से दूसरा मैच चालू करते, मैंने कहा चलो भाई अब यहाँ पे तो वो वाला मैच सक्सेस नहीं हुआ था, यहाँ पे दूसरा मैच लगाते और इसमें थोड़ा सा बूम बाम करते हैं। अब यहाँ पे कूप पड़ी रहते, मैं सोचता हूँ यार कूप पे उतरेंगे, तब यहाँ पे एक बंदा आ जाता कूप के ऊपर, तो मैं आगे ग्लाइड करके चला जाता हूँ और वहाँ पे डासा खड़ी रहती थी, तब वहाँ से जाके फटाफट से पहले थोड़ी सी लूट करेंगे, क्योंकि एक ऑटो गन लग जाना तो थोड़ा सा क्या बेटर होता है अपने पास कि भाई बंदे बंदे को आराम से इजीली निपटा सके। तो यहाँ पे मैं पहले घर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ऑटो गन लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन हमारे को मिलता है भाई एक 7 का कट्टा और कुछ भी नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाता हूँ डासा लेते हैं, डासा लेने के बाद हम लोग इधर से निकलने लग जाते हैं जोन की तरफ। तभी यहाँ पे एक खुले में एक बंदा भाई जोन लेने के लिए आता रहता है, आप देखो इसको कैसे बजाते हैं। मेरे टीममेट ने इसको नॉक किया, तभी ऊपर की तरफ एक बोट रहता है, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई एक बोट मारने के लिए दे दो यार, थोड़े बहुत अपन को भी यार केडी वेडी मेंटेन करना रहता है। तो मेरे टीममेट कहाँ मेरी बात सुनने वाला है भाई, उसको नॉक कर रहता है। उसके बाद उनको नॉक करने के बाद मैं फटाफट से अपने टीममेट को बैठाता हूँ और इन बोटों को फटाफट से फिनिश विनिश करने के बाद, क्योंकि यार अब देखो कोई ना कोई आके यहाँ पे किल चुरा न ले, इसलिए इनको फिनिश विनिश करने के बाद मैं और मेरे टीममेट सीधा निकल लेते हैं टेम्पल के पास, क्योंकि असली मकसद गाड़ी लेने का वही होता है कि टेम्पल पर जाके थोड़ी सी लूट वूट करने का। अब यहाँ पे टेम्पल पे आता हूँ, थोड़ा सा नेट सर्वर ऐसे ऐसे चल रहा था, तभी कैसे ना कैसे करके हम लोग टेम्पल पे आते हैं, गाड़ी इधर रोकते हैं, रिकॉल ले लेते और यहाँ पे फटाफट से लूट वूट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे फटाफट से लूट वूट करते और यहाँ पे शायद आगे की तरफ बंदे बंदे लग रहे थे हमारे को जहाँ तक, लेकिन पता नहीं अभी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लूट वूट कर लेते हैं, यहाँ पे यूएमपी भी पड़ी है और बैरल वैरल पड़ी है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूएमपी लेके आगे की तरफ निकल लेता हूँ, बहुत तेज़ी में दौड़ता हूँ और यहाँ पे एक बोट भाई साहब आते हैं और ऊपर की तरफ होते 2 बंदे। तो सबसे पहले इस बोट भाई साहब को मारता हूँ और ऊपर की तरफ होते भाई 2 बंदे जो केम करते रहते, तुम्हारे भाई के पास होते 7 नेड, आप देख सकते हो राइट है मेरे नेड के पास। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने बोला रुको इसको मैं पूरा ना इनका रेड जोन बना देता हूँ, पहले मेरे को सही से लोकेशन पता नहीं थी, उसके बाद मेरे को इनका फुस्टेप आ गया था, अब देखो इनका गन भी गिल्ली छोड़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नेट डालता हूँ, यहाँ पे दोनों बैठे रहते पता नहीं फूटते कैसे नहीं यार, मुंह पे नेट फूटा था। तभी एक बंदा ऊपर की तरफ चल जाता डैमेज होते ही, अब ये हो तो उसका तो बचना एकदम इम्पॉसिबल था भाई। तो यहाँ पे एक नेट जाता है जिसके वजह से बच जाता हूँ, मतलब रुक इसकी भैंस की टाटा, इतना तो डैमेज हुआ होगा यार, क्योंकि 2 नेट फूटे। तो ये तीसरा नेट आता और ये हो जाता है बूम बूम, होने के बाद यहाँ पे 4 नेट कुक करता हूँ और एक बंदा यहीं पे रहता, मैं देखता हूँ यार यहाँ पे टप्पा खिलाऊंगा, यहाँ पे जैसे टप्पा खिलाता हूँ मेरे नेट से होता है डैमेज और मेरे टीममेट के नेट से हो जाता है ये दूसरा वाला भी नोक। नोक होने के बाद यहाँ पे मैं सोचता हूँ फिनिश करूंगा, लेकिन बाद में वो फिनिश कर ही देते हम लोग गन से। उसके बाद इनको मारने के बाद हम लोग गाड़ी लेके इस साइड में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जाते रहते तभी मतलब यहाँ से फुस्टेप आता है, तो मेरा टीममेट बोलता है स्क्वाड हाउस में कोई बंदा बंदा है। तो यहाँ पे मैं स्पाइडर मार के ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा तो रहता नहीं लेकिन आगे वाले घर में बंदा रहता है, अब देखो इसको कैसे बजाते अपन। इसको नॉक किया, ये बोर्ड ऐसे बंदे थे, नीचे की तरफ कूदता दूसरा बंदा इधर मिल जाता खुले में मेरे को और इसको भी निपटा देता। निपटाने के बाद फटाफट से इसकी पेटी से थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ, लूट वूट करने के बाद हम लोग गाड़ी लेते और इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे इन बंदों ने क्या फ्लेयर चला रखी थी, तो एक बंदा इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, आप देखो इसको कैसे बजाते हैं। किधर है भाई साहब, चलो बेटा नॉक हो जाओ। अब नॉक करने के बाद मैं देखता हूँ यार इसका दूसरा बंदा आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि यार इधर कैंप वैम्प करते रहते ये लोग। तभी यहाँ पे स्पाइडर यूज़ करके ऊपर की तरफ आता हूँ मैं और यहाँ पे इसका जो बंदा रहता है वो मतलब ये जो बुर्ज खलीफा है मतलब कि ये जो बिल्डिंग है ये बड़े साल जो टावर है इसके ऊपर चढ़ा रहता है और हमारे ऊपर कार्नेटेट मारता रहता है, आप देखो इसको कैसे बजाते हैं भाई साहब, ऐसे लेटा हुआ जैसे किसी ने देखा नहीं। उसके बाद इनको मतलब मार वारने के बाद इधर से हम लोग गाड़ी लेके निकलते, तभी यहाँ पे एक बग्गी वाले मिल जाते हैं। अब इनके साथ तो भाई एकदम गलत सीन हो गए, आए और गए भाई, सिर्फ डैमेज देते रह गए। उसके बाद मेरा टीममेट यहाँ पे गाड़ी लेता और मैं थोड़ी बहुत हील वील करते हैं और हम लोग सीधे निकल लेते हैं इधर स्क्वाड हाउस के तरफ में। अब स्क्वाड हाउस पे आता हूँ तभी यार मेरा टीममेट बोलता है कि ये सामने वाला जो ड्रॉप है ना इसके ऊपर बंदा बंदा है। तो बोलता हाँ यार मेरे को भी लगा था हल्का सा कि बंदा बंदा है। तो हम लोग क्या करते हैं गाड़ी को यहीं पर रोकते और मैं इधर इन बंदे को देखने की ट्राई करता, तभी दिखता भाई एक बंदा नीचे वाला ड्रॉप लूट के जा रहा है भाई साहब। ऊपर वाले ड्रॉप पे तो कोई नहीं था लेकिन नीचे वाले ड्रॉप पे एक बंदा रहता है। इसको निपटाने के बाद मेरा टीममेट यहाँ पे गाड़ी लेकर आता है और हम लोग निकल लेते हैं भाई थोड़ा सा और बंदे बंदों को मारने के लिए। यहाँ पे 16 बंदे अलाइव थे, बाद में 2 बंदे और मर गए थे, 14 बंदे बचे हुए थे और यहाँ पे होते भाई 2 बंदे जो गलत तरीके से कैंप कर रखे थे। इनको तो भाई इतना गलत सीन हुआ इनके साथ। यहाँ पे मेरे पास होते बहुत सारे नेड वेड थे लेकिन मैं तुम्हारा भाई नेड वेस्ट नहीं करता, सीधा यहाँ पे एक मोली डालता है। मोली का डैमेज आप लोग को पता है यार बहुत खतरनाक हो चुकी है मोली। तो यहाँ पे वो मोली फूटता है, एक नोक होता है और दूसरा वाला फ्यूल की टंकी रहती है वहाँ पे वो ही फूट जाता है और वो हो जाते बूम। और यहाँ पे इन दोनों को मारने के बाद यहाँ पे 10 किलो के मत को कोई नहीं भाई, यहाँ पे एकदम अच्छा मैच जा रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बग्गी लेके इस साइड में आते हैं और यहाँ पे बस ये मैच ख़राब करने का भाई सीन आ चुका था। अब देखो इस घर में आता और यहाँ पे नीचे की तरफ बंदे बंदे रहते तो इनको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदे लोग नीचे कूद जाते हैं, इनको मतलब कोई थर्ड पार्टी वाला बंदा जो इनको नॉक कर रखा था वो इनके ऊपर चढ़ के इनको मतलब निपटाने की ट्राई करता रहता है। यहाँ पे फुल स्मोक स्मोक हो रखा था और नेड वेड बारी होती लगती, तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और इन दोनों को निपटा देता है। मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला मोली कर देता हूँ क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
तभी ये क्या करता है, ये बंदा ना मतलब मौलिक यहाँ पे जैसे कहता है वो अंदर की तरफ चले जाता है। अब फटाफट से मैं जाता हूँ इससे 1v1 लेने के लिए, और एमजी के सामने क्या ही टिकेगा भाई यूएमपी वाला बंदा, कभी ना कभी मार ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे वो बंदा डैमेज था, तभी मैं यहाँ पे भाई एमजी चलाता हूँ और उसको निपटाने के बाद गाड़ी लेके आता हूँ और इस साइड में आके रुक जाता हूँ। अब देखो पिछले मैच में भी यहीं पे मरे थे और इस मैच में भी यहीं पे मरने वाले हम लोग, तो वो भी वहीं पे टावर पे, तो भाई दोनों बार वहीं पे मरने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस घर में एक बंदा रहता है और ये हमारे लिए मनुष्य घर है भाई हमेशा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नेट डालता हूँ, नेट से ये बंदा बच जाता है। मैं यहाँ पे स्पाइडर यूज़ करके ऊपर की तरफ आता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट उधर से नीचे की तरफ से चढ़ता है और पूरा डैमेज मैंने दिया, मेरे टीममेट ने दो बुलेट मारा और किल ले लिया। उसके बाद इसका पेटी लूटने के बाद मैं आगे की तरफ आता हूँ और इधर मैं जाता हूँ, तभी भाई राइट की तरफ से फायरिंग होती है। अब इन बंदों के चक्कर में पिछले मैच में मैं मर गया था और इस मैच में मरने वाला वो भी बंदे उसी साइड में थे शेक की तरफ में, और इस बार भी बंदे वहीं पर है शेक की तरफ में। तो यहाँ सबसे पहले मैं मेडकिट मारता हूँ, मेडकिट मारने के बाद इस टावर के ऊपर चल जाता हूँ। मैं देखता यार चलो भाई यहाँ से नेट वेट डाल देते हैं, चार चार नेट है अपने पास, तो यहाँ पे आई बटन से वहाँ तक पहुँच नहीं रहता, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद भी थोड़ा कुछ हो नहीं रहता, मैंने कहा खड़ा होकर डालते हैं नेट। तो अभी बैठने के बाद एक दो नेट डालता हूँ, वहाँ तक जाने तो चाहिए यार लेकिन जा नहीं पा रही थी, मैं थोड़ा और ऊपर करके नेट डालता हूँ कि भाई रुको एक वो नेट तो डालेंगे जिसके कारण हो जाएंगे बूम। तभी मेरे पे नेट गिरता और मैं हो जाता हूँ नोक। भाई बंदे लोग तो फूटते ना, मैं ही फूट जाता हूँ क्योंकि यार वहाँ से एकदम एंगल बन रहा था मेरे ऊपर, तो ये लग रहा था ना। उसके बाद मेरा टीममेट आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसके बाद तो फिर पता ही भाई क्या होने वाला है। मैं अंदर की तरफ आता हूँ यहाँ पर रिवाइव होने के लिए, यहाँ पे रिवाइव हो भी गया था इजीली, लेकिन भाई एक और नेड आ जाता है जिसके कारण मेरे टीममेट के कारण धक्का वक्का खाने के कारण मैं यहाँ से मतलब निकल नहीं पाता हूँ। यहाँ पे एक मोली आया जिसके कारण हम लोग बच गया, यहाँ पे इजीली रिवाइव हो गए। तभी एक नेड आता है और यहाँ पे मेरे टीममेट को बोलता हूँ निकलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अटक जाता हूँ मैं, उसके बाद मैं नोक हो जाता हूँ। मेरा टीममेट यहाँ पे जल चुका था मोली से और उसके बाद मर भी जाता है। तो भाई यहाँ पे हो जाता है भारी सीन के, आप भी समझो कि भाई कभी भी एक जगह पे नहीं रुकना जब एक दो नेड करने के बाद, क्योंकि आपका नेड वहाँ जा सकता है तो उन बंदों को वहाँ पे भी नेड आ सकता है। तो ये बोर्ड ऐसे बंदे रहते हैं, ये लोग यार निपटा दिया हमारे को, बहुत बुरा लगा। मेरे टीममेट ने इसको देखो कितना एचपी भी किया था, लेकिन बाद में क्या ही कर सकते यार, आप पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद फटाफट सब देख लेते कितने प्लस हुए अपन को, 21 प्लस हुए थे शायद, हाँ तो 21 प्लस हुए, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी और प्लस करना बाकी है 500 कुछ प्लस, ये कॉन्करर के लिए तो करेंगे फटाफट से लेंगे कॉन्करर। तो यही था अच्छा गेम प्ले, आप बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, लव यू, टेक केयर, सुड्रीम गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।